नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने का और तेजस्वी यादव को सत्ता तक पहुंचने का ये पूरा प्लान कहीं ना कहीं लालू प्रसाद बना रहे थे। लॉलीपॉप दिखा करके नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को फुसला लिया है। भले ही आपने कागज पर नहीं दिखाया हो लेकिन सबको पता है कि आप तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए गए थे। इनफैक्ट खुद नीतीश कुमार ने बात खुद नीतीश कुमार ने कहा कि अब तो इन्हीं को देखना है। तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे और निकल करके उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि मैं चोरों का सरदार हूं। बिल्कुल चोरों का सरदार हूं ये कह करके निकले थे। आखिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते उप मुख्यमंत्री कैसे बन गए? अब नीतीश कुमार को कैसे उन्हीं के तरीके से उन्हीं के आइडियोलॉजी से उनको बाहर किया जाए, इसके लिए सुधाकर सिंह का इस्तीफा हुआ है और ये पूरे प्लानिंग के तहत हुआ है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और महागठबंधन के 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया है। पहला कार्तिक सिंह और दूसरा सुधाकर सिंह। ये इस्तीफा क्यों हुआ है इस पर हम जानकारी लेंगे बाबा से कि आखिर अभी महागठबंधन की जो सरकार बनी है उसको 2 महीने भी पूरे नहीं हुए और 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया है। सिद्धार्थ देखिए, आप लोग युवा हैं और बिहार की राजनीति को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं, नई राजनीति को समझ रहे हैं। हम लोगों ने तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी, हम लालू को देखे हैं, हम जगदानंद सिंह को देखे हैं, हम सुशील मोदी को देखे हैं, लेकिन वर्तमान जो राजनीति है वो युवा पीढ़ी की तरफ शिफ्ट कर रही है और युवा पीढ़ी की राजनीति जो है वो एक अलग दिशा और अलग तरीके से चल रही है। युवा और वरिष्ठ का, अनुभवी का ये मेल जो हुआ है ना, इस मेल में आप एक चक्का बड़ा लगा दिए, एक चक्का छोटा लगा दीजिए तो निश्चित रूप से बैलेंस गड़बड़ाएगा। इसीलिए आप देखते हुए है कि जब टायर चेंज भी किया जाता है तो आगे का या पीछे का दोनों नया टायर चेंज किया जाता है, पुराना नया मिला करके नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ स्थिति कुछ अलग ढंग है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि दोनों में संख्या बल का काफी अंतर है। अगर ये अंतर नहीं होता तो नीतीश कुमार आज एनडीए से बाहर नहीं होते। बिल्कुल। तो इन सारी चीजों को अगर जोड़ करके आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं इशारा जरूर करता है कि क्या राजनीति है, किस तरह की बात है। आखिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते उप मुख्यमंत्री कैसे बन गए, ये बड़ा सवाल। बिल्कुल। तो एक सबसे जो पुराना उदाहरण हम लोगों का है कि हर युद्ध से पहले एक अय्यार को भेज दिया जाता था विपक्षी गुट में और वो वहां जा करके सारी रणनीतियों को, सारी जानकारियों को बताता था। बिल्कुल इसी अंदाज में ये सारा खेल चल रहा है। नीतीश कुमार शिफ्ट तो जरूर हो गए, लेकिन हमने आज से 2 दिन पहले ही एक खबर किया था। अच्छा। जिस खबर में हमने बताया था कि नीतीश कुमार के तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो चौकड़ी है वो चौकड़ी कहीं ना कहीं पूरा सुपारी ले चुकी है। अच्छा। कि कैसे इस सरकार को गिराया जाए। और सबसे बड़ी बात देखिए कि सरकार को गिराने से भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार ने जिस बात को कहते हुए पाला बदला था वो सबको याद है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि महंगाई बहुत हो गई है इसके चलते छोड़ रहे हैं, भाजपा ने नौकरी नहीं दिया इसके चलते छोड़ रहे हैं, भाजपा बेरोजगारी नहीं दूर कर पा रही इसलिए नहीं। उन्होंने ये सब बातें नहीं कही जो कि मूल बातें थी। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी को तोड़। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी और मेरी कुर्सी पर इनकी नजर थी। इसका मतलब कि आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुर्सी और पार्टी दोनों है। लेकिन पार्टी की बात तो छोड़ दीजिए ना, पार्टी रहे या जाए, जब 43 सीट पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो 5 सीट पर भी बन सकते हैं। बिल्कुल। ये भी उनकी विशेषता है, उनका राजनीतिक मैंने कहिएगा कि गुणों का मेरिट है, बहुत बड़ी मेरिट है। अब जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा रेपो बना दिया है नीतीश कुमार के लिए कि कोई भी हो नीतीश कुमार के खूंटे में बंधाएगा और नीतीश कुमार के खूंटे में ही कमजोर हो या मजबूत हो, अगर खूंटा कमजोर भी है तो उसी के इर्द गिर्द परिक्रमा करेगा, उसको उखाड़ने का कोशिश नहीं करेगा। बिल्कुल उसी अंदाज में तेजस्वी यादव को लगा कि शायद उनके मुख्यमंत्री बनने में या जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं या लालू प्रसाद के जीते जी अगर वो सत्ता में नहीं आए तो हो सकता है कि सत्ता में नहीं आए। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ हमने शुरू में ही बताया कि अनुभवी लोगों का एक अलग कुनबा है जो कुछ अलग तरह की राजनीति कर रहा है, लालू प्रसाद चाहते थे कि तेजस्वी यादव में वो क्षमता है, 2020 के चुनाव में उन्होंने अपना आपको प्रमाणित भी किया है कि महागठबंधन को अकेले दम पर ले जाकर के और खड़ा किया। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जैसे 2 बड़े बटवृक्ष को हिला कर रखा है अकेले, मतलब अकेले बदौलत अकेले। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने का और तेजस्वी यादव को सत्ता तक पहुंचने का ये पूरा प्लान कहीं ना कहीं लालू प्रसाद बना रहे हैं। 2020 में आपको याद होगा
सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हमारे विधायकों को तोड़ रहे थे, और जिस विधायक को किससे बात करने की बात लालू प्रसाद की जा रही थी उस विधायक को भी बैठाया गया था। अब समझिए कि एक विधायक तोड़ने से उनकी सरकार नहीं गिर रही थी, ना नीतीश कुमार ना एनडीए सरकार कुछ असर पड़ना था, लेकिन उन्होंने करके ये बताया, कोशिश किया हम कर सकते कि लालू प्रसाद में क्षमता है। और यह वही लालू प्रसाद जगदानंद सिंह को आखिर इस उम्र में, जगदानंद सिंह जिस उम्र में है, कई युवा हैं, लेकिन आखिर जगदानंद सिंह को ही कुर्सी पर क्यों बैठाया? हम जो चर्चा करने के लिए बैठे हैं उस चर्चा में आपका सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि नीतीश कुमार की सरकार पर हमला करने वाला, चोरों का सरदार कहने वाला, आखिर उस व्यक्ति ने इस्तीफा क्यों दिया? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जब से सुधाकर सिंह आए हैं, आपको याद होगा थोड़ा सा इतिहास के पन्नों पर अगर जाते हैं तो 2010 में सुधाकर सिंह को राष्ट्रीय जनता दल से टिकट देने की घोषणा कर दी गई थी। लालू प्रसाद ने अनाउंस कर दिया था, कहा कि जगता भाई बेटवा के दे दो टिकट, छोड़ा वो सब बात लेकिन दे दो। जगदानंद सिंह ने कहा कि अगर उसको टिकट दीजिएगा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, वो इस लायक अभी नहीं है, हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जमीन पे मेहनत किया है, उनको टिकट चाहिए। बिल्कुल। तो ये आइडियोलॉजी थी, ये सुचिता थी राजनीति की, जिसको जगदानंद सिंह ने दिखाया। और यही कारण है कि आंख मूंद करके लालू प्रसाद उन पर भरोसा करते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं, आपके पिताजी बोलते होंगे क्योंकि पत्रकारिता से हैं तो वो भी इन सारी चीजों की चर्चा करते होंगे। जब लालू प्रसाद जेल जा रहे थे तो उन्होंने और किसी को नहीं, ऐसे हाथ पकड़ करके बोला था ख्याल रखने, बिल्कुल ऐसे हाथ पकड़ के कहा था कि मेरा परिवार, पार्टी और सरकार तीनों का ख्याल, तीनों आपको दे करके जा रहे हैं, हम आएंगे जैसा था वैसा चाहिए। जगदानंद सिंह ने उससे बेहतर करके दिया, बिल्कुल एक डिसिप्लिन पार्टी, बिल्कुल। अब इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि जब राबड़ी देवी को बनाया गया था, तब की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद जब जब राष्ट्रीय जनता दल को जरूरत महसूस हुई है, अपना भले ही बुजुर्ग कंधा हो लेकिन मजबूत कंधा बना करके जगदानंद सिंह ने पार्टी को खड़ा किया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जगदानंद सिंह के बेटा को जब 2010 में जगदानंद सिंह ने खुद विरोध करके उनको हराने का काम किया था, और जगदानंद सिंह के परिवार में इसके लिए बहुत बहुत कुछ हुआ था, बहुत बवाल हुआ था, 2015 में उनको टिकट मिला लेकिन हार गए। इसके बाद 2020 में जिस तरह से शिवानंद तिवारी के बेटा को बुला करके राहुल तिवारी को टिकट दिया गया, जो कि आप जानते हैं कि शिवानंद तिवारी कौन है, लालू प्रसाद के जेल भेजने वालों में सबसे अहम भूमिका उनकी रही है, उन्होंने हस्ताक्षर तक किया था जो कि सुशील मोदी या नीतीश कुमार ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। इन सारी चीजों को लेकर के जब वो ऐसा कर सकते हैं तो ये राजनीतिक सुचिता है, जो लालू प्रसाद को पता है कि हमारा एक बाल भी नहीं कोई तोड़ सकता है, कनगोजर का एक टांग टूटने से थोड़े कुछ होता है, फर्क नहीं पड़ता। लालू प्रसाद की जमीन है, और यही कारण है कि लालू प्रसाद ये जानते थे, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का ये जो गठजोड़ हुआ उसमें तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं, नहीं होता है बच्चा को फुसला लेना, लॉलीपॉप दिखा, बिल्कुल लॉलीपॉप दिखा करके नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को फुसला लिया है। और इसी का कारण है कि अब लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह अपनी रणनीति और राजनीति कर रहे हैं। एक दिन पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से जब ये चर्चा बहुत ज्यादा रूप अलग रूप लेने लगी, जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद ने जो बयान दिया था कि हाँ भाई अब तो नीतीश कुमार वहां दिल्ली देखे, अब तो ये हो गई बात कि नीतीश बाबू अब दिल्ली देखी हैं, तेजस्वी देखी हैं बिहार, इसी बात को रिपीट किया था। इनफैक्ट नीतीश कुमार भी ये चीज तो कही चुके थे ना, बिल्कुल को देखना। नीतीश कुमार ने, देखिए नीतीश कुमार बहुत सोफेस्टिकेटेड भाषा का यूज करते हैं, उनको अनुभव थोड़ा सा युवा और बुजुर्ग दोनों का हो गया, चूंकि वो 17 साल से लगातार है, 17 साल का बच्चा आप समझ सकते हैं कोई युवा में भी आता है और बच्चा में भी आता है, दोनों उसकी उम्र होती है, क्योंकि बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार 17 साल के बच्चा है, उनको पता है बिहार का नब्ज, वो जानते हैं, उसी नब्ज के तहत उन्होंने सारी बातें की। और अब जो वर्तमान स्थिति है नीतीश कुमार की रणनीति है, उस रणनीति के तहत ही वहां जाकर के दुश्मन को मारने के लिए दुश्मन के हथियार को यूज करना पड़ेगा, उसके अनुसार ही बनाना पड़ेगा सब कुछ। तो नीतीश कुमार की जो रणनीति रही है अब उसको बेहतर ढंग से पढ़ लिया है लालू प्रसाद ने और जगदानंद सिंह ने। जगदानंद सिंह को और लालू प्रसाद को पता है कि तेजस्वी बच्चा कोई रिझिया नहीं जाता है, दशहरा चल रहा है, बच्चा को लेकर जाएगा, कहे कि नहीं हम फुलौना लेवे करेंगे, चाहे हम खिलौना लेवे करेंगे, वहां एकदम लगेगा रोड पर करने। बिल्कुल उसी तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं सत्ता में रहूंगा,
आप लोग जो करना करना कीजिए, तो उसको कैसे उस बच्चे को खुश किया जाए अगर आपके पॉकेट में प्लानिंग चल रही है। बिल्कुल, अब आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, वो 100 रुपए के जगह पर 500 का खिलौना मांग रहा है, तो आप कोई ना कोई रास्ता निकालिएगा, जुगाड़ टेक्नोलॉजी कीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में जगतानंद सिंह जो बार बार कुर्बानी देते रहे, उन्होंने अपने पुत्र को कुर्बानी देने के लिए तैयार किया। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि नैतिकता और जो संस्कार दिया है जगतानंद सिंह ने, वो अपने पुत्र को भी दिया है। एक सिद्धांतों की राजनीति करना सिखाया है। बिल्कुल, जैसे ही वो पद पर आए, उन्होंने एक सर्वे करवाया था अपने विभागीय लोगों के द्वारा। उस सर्वे में जो आंकड़े आए थे, उस आंकड़े पर उनको भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि सुधाकर सिंह का कहना था कि मैं खुद एक किसान हूं, मैं खेती करता हूं। और आपको याद होगा कि जब वो दिल्ली से पढ़ उड़ करके आए थे, उस समय आए थे तो खेती तो कर ही रहे थे, साथ साथ उन्होंने राइस मिल भी खोला था, 3-3 राइस मिल खोला था। उसमें उनके साथ बहुत बड़ा झटका हुआ कि उन्हें ये धान तो मिल गया, लेकिन जब धान चावल बना तो उसको रखने के लिए जगह नहीं मिला, और उसका उनका किराया नहीं दे पाए। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बहुत सारे सामान सड़ गए, जिसके चलते उन पर केस भी हुआ सहकारिता विभाग से, और 50,000 के मुचलके पर उनको जमानत मिली। इन सारी बातों को समझ करके वो किसान के छोटे छोटे दर्द को समझते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया था कि मैंने कृषि विभाग उन्होंने इसीलिए लिया था क्योंकि जगतानंद सिंह भी जानकारी थी। बिल्कुल, जगतानंद सिंह भी जानते थे कि मैं इस विभाग के साथ न्याय कर सकता हूं। और किसानों की समस्या, चूंकि आपको एक चीज पता कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर आय का जरिया कोई है तो वो कृषि है, तो कृषि विभाग सबसे महत्वपूर्ण होते हुए सबसे पिछड़ी है। आप बजट में भी देख लीजिए, बिल्कुल, बाकी सबका बजट क्या है और कृषि का बजट देख लीजिए। इसके बाद लूट बहुत जबरदस्त है। अगर 5,000 रुपया आता है किसानों के लिए, तो उसके पास पहुंचते में 1,000 बच जाता है। तो ये सारी चीजें थी, छोटी छोटी समस्याएं थी जिसको सुधाकर सिंह ने उठाया था और अधिकारियों को कहा था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं किसी तरह का भ्रष्टाचार। इन्हीं बातों को लेकर के जो आंकड़े आए थे, उस पर उन्होंने साफ कहा था कि ये आंकड़े जो हैं, इस पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं कोई निजी एजेंसी से इसका जांच करवाऊंगा, और जांच करने के बाद अगर आपके आंकड़े गलत निकले तो मैं सभी को सजा दूंगा, ये भी उन्होंने कहा था। आम लोगों से मिलना, गांव के किसानों के साथ बैठना, ये सारी चीजें वो कर रहे थे। लेकिन ये बातें रास नहीं आई, सत्ता में बैठे 17 साल से नीतीश कुमार को रास नहीं आई। नीतीश कुमार भले ही अपने सर पे तगमा लेकर के चलते हों कि वो क्राइम करप्शन और कम्युनिज्म से कोई नाता नहीं रखते हैं, कोई समझौता नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब सुधाकर सिंह ने ये बात कही तो उनको उनकी बातों पर गौर करना चाहिए था। नीतीश कुमार पर लगातार ये तोहमत लगता रहा है कि नीतीश कुमार सारे विभागों में मंत्री तो देते हैं लेकिन काम अपने से अधिकारी उनके काम कर। बिल्कुल, अब अधिकारियों में भी इतना ज्यादा टसन हो गया है कि वो जानते है कि नीतीश कुमार मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। अभी जो वर्तमान में कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं जिनके साथ अभी टसन हुआ है, स्पष्ट तरीके से समझिए कि एक मंत्री जब आपके मंत्रिमंडल की बैठक से निकल करके बाहर जाता है तो इससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती सरकार की। और निकल करके उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि मैं चोरों का सरदार हूं, बिल्कुल चोरों का सरदार हूं, यह कहकर के निकले थे। और अब जबकि एक मात्र बात कहने के लिए पानी में पत्थर नहीं फेंक करके चेक करते हैं कि क्या हलचल है, उसी तरह से चावल बनाते हैं तो उंगली डाल करके चेक करते हैं पानी कितना गर्म है। तो बिल्कुल उसी अंदाज में नीतीश कुमार की आगे की रणनीति क्या है उसको चेक करने के लिए एक शब्द छोड़ा गया था कि नीतीश कुमार 2023 में सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव को दे देंगे। उसका हंगामा आपको नजर आ गया, उनकी पार्टी की तरफ से उनके चौकड़ी जो हैं, चार जो आसपास में जो लोग रहते हैं, वो जो चौकड़ी है जदयू की चौकड़ी जिसको कहा जाता है, वो चौकड़ी अपना एक्टिव हो गई और उनके अलावा किसी ने बयान नहीं दिया। उन्हीं चार चौकड़ियों को लेकर के बाकी जो लोगों ने रिट्वीट किया है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा जगतानंद सिंह जैसे बड़े नेता को, जो कि नीतीश कुमार को भी आप नहीं कहते हैं, चैलेंज करते हैं, उनसे भी माने बड़े नेता हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर जगतानंद सिंह को लेकर के जो व्यक्ति जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी किसी के सेक्रेटरी हुआ करते थे, ऐसा व्यक्ति ललन सिंह
अगर ऐसा कहते हैं जगदानंद सिंह के बारे में तो निश्चित रूप से वो यार सम्मान की बात, बिल्कुल, उसी गठबंधन में रह करके, अगर अलग गठबंधन में रहते तो बात अलग थी, लेकिन उसी गठबंधन में रह करके उनके सुचिता पर सवाल उठा रहे हैं, उनके सोच पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर आप तेजस्वी यादव के साथ गए तो क्या एग्रीमेंट किए, सबको पता है, भले ही आपने कागज पर नहीं दिखाया हो लेकिन सबको पता है कि आप तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए गए थे। इनफैक्ट खुद नीतीश कुमार ने, खुद नीतीश कुमार ने कहा कि अब तो इन्हीं को देखना है, तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, फाइनल हो गया, बिल्कुल। अब इस सारी बातों, अब अच्छा पलटी मारने के बाद भी एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करने के लिए उनको तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि एक बार जो पैर में लग गया, सुने होगा ना कहानी कि जब तीन तीन जगह मखता है आदमी, तो भारतीय जनता पार्टी को अब लग गया है कि अब मखेंगे, अब नहीं मखेंगे इससे ज्यादा। सीधी तौर पर इतना बात समझ लीजिए कि अब नीतीश कुमार को कैसे उन्हीं के तरीके से, उन्हीं के आइडियोलॉजी से उनको बाहर किया जाए, इसके लिए सुधाकर सिंह का इस्तीफा हुआ है और ये पूरे प्लानिंग के तहत हुआ है कि नीतीश कुमार का सबसे पहले जो एजेंडा है, कॉम्युनल एजेंडा, तो उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ आने जाने से पता चल गया, बिल्कुल। एक खास समाज है, खास वर्ग है जो उनके साथ कभी सटने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा भी होगा कि चार जो अभी विधायक AIMIM से आए तो कहानी नीतीश कुमार के पास चले गए सत्ता में, जबकि वो विपक्ष में जो पार्टी है उसके खेमे में गए। दूसरा, करप्शन की बात कीजिए तो करप्शन का तो पूरा पन्ना ही खोल दिया सुधाकर सिंह ने, तो करप्शन का पूरा पन्ना खोल दिया, साफ 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 और, था। और क्राइम का जो स्थिति है वो किसी से छुपा है। दो दिन पहले ही बिहटा में 5 लोगों का मर्डर हो गया बालू खनन को लेकर के, और इन सारी बातों को लेकर के जो आप कहना चाह रहे हैं उनके इस्तीफा में पूरी प्लानिंग है, और ये इस्तीफा यूं ही नहीं जाने वाला है, इसका एक बड़ा रिजल्ट राजनीतिक कैनवास पर आप देखिएगा, बड़ी तस्वीर खींच करके आएगी और बहुत जल्दी आएगी। तो चलिए, इस वीडियो में हमने यह जानकारी देने की कोशिश की कि आखिर सुधाकर सिंह का इस्तीफा क्यों हुआ है और उसके पीछे का कारण क्या था। तो जैसा कि बाबा ने बताया कि इसके पीछे की प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत लंबी है और इसका जो रिजल्ट है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, और ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारे, लेकिन इस बार जब पलटी मारेंगे तो उनके पास पैर रखने के लिए नाव होगा या नहीं, ये आगे समय बताएगा। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।